दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के खास कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों जब हम आपसे बात शुरू कर रहे हैं, उस वक्त अपने देश में जो कल की रिपोर्ट थी उसके हिसाब से 19,884 लोग COVID-19 से संक्रमित हैं और 640 की मौत होने की खबर है। जो विभिन्न टीमें जो हैं हमारे सरकार की, केंद्र की, राज्य की, जो जो एजेंसियां हैं उनकी जो खबरें आ रही हैं उसमें सबसे जो हालात खराब बताए जा रहे हैं वो महाराष्ट्र के हैं, गुजरात के हैं और मध्य प्रदेश के हैं। ये तीन राज्य सर्वाधिक अभी संक्रमण से प्रभावित हैं और जो कैजुअलिटीज़ हैं, जो मौतें हैं उनके मामले में भी ये तीन राज्य सबसे ऊपर चल रहे हैं। और हम चाहते हैं कि कहीं भी इस तरह की स्थितियां ख़राब ना हो, लेकिन जो टीमें, जो केंद्र की और राज्य की जो एजेंसियां जो बात कह रही हैं उसमें एक तस्वीर जो भर रही है जो हमारे लिए चिंताजनक है कि उनका ये कहना है कि 3 मई तक या मई के पहले सप्ताह तक हालात देश में कई जगहों पर और खराब हो सकते हैं। संख्या बेतहाशा और बढ़ने की उम्मीद कई जगह आशंका जताई जा रही है। ये एक बहुत खतरनाक पहलू है और इसमें मैं समझता हूं कि केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकारें सबको एक साथ एकजुट होकर, यहां तक कि आवाम जो समाज है उसके समस्त हिस्से को एक हो करके और जूझना पड़ेगा, क्योंकि ये अभूतपूर्व संक्रमण है। ये ऐसी महामारी है जो पहले कभी इस तरह की नहीं देखी गई। लेकिन असलियत क्या है जमीन पर, हम उस पर आज बात करना चाहते हैं। दोस्तों अभी केंद्र की जो टीमें अलग अलग राज्यों में भेजी जा रही हैं, कुछ राज्यों में होकर आई हैं, उनके बारे में तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। अब देखिए, केंद्रीय टीमें कई प्रदेशों में गई ही नहीं है, जैसे गुजरात जहां की स्थिति खराब है, जहां ज्यादा सजेशंस की जरूरत है, वहां केंद्र ने कोई टीम नहीं भेजी है, कई और प्रदेशों में नहीं भेजी है। इसके बारे में स्वयं बंगाल में वहां की जो मुख्यमंत्री हैं, तमाम नेता वहां के हैं, वो भी कह चुके हैं कि साहब इन राज्यों में तो आपने भेजी नहीं और हमारे राज्य में आप भेज रही हैं और वो भी भेज रहे हैं, और वो भी तब जब राज्य के जो प्रमुख लोग हैं, राज्य सरकार के जो संचालक लोग हैं उनको तब पता चलता है कई जगह जब टीमें आ जाती हैं। ऐसा बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने कहा। अशोक गहलोत साहब जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि उनके राज्य में आई टीम, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीम अगर कोई सहूलियत दिलाए, टीम अगर हमारी जरूरत को पूरा करने में केंद्र से मदद हमको पहुंचाए तो उसका स्वागत है, वरना कोई उपयोग नहीं है किसी टीम का। कई जगह तो लोग ये भी कह रहे हैं कि इस तरह का एडवेंचर जो है टूरिज्म वो ठीक नहीं है। तो केंद्र की टीम को लेकर काफी जगहों पर, काफी राज्यों में एक तरह से कंफ्रंटेशन या कम से कम टसल है, एक तरह से मतभेद है, असहमति है कि आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है। जब राज्यों, देखिए हेल्थ वैसे भी भारत के संविधान के हिसाब से कॉन्करेंट लिस्ट में है, यानी स्टेट और केंद्र दोनों का ये क्षेत्र है, दोनों अपने अपने तय पाल कर सकते हैं। COVID-19 को लेकर जब से अपने देश में शासकीय स्तर पर इसको एक तरह से काउंटर करने के लिए अभियान चला है, तब से केंद्र सरकार ने भारत के दो जो महत्वपूर्ण कानून हैं इस मामले में, एक तो सन 2005 का जो आपदा प्रबंधन कानून है जिसको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं, इसके तहत, और 1897 का एक पुराना कानून है अंग्रेजों के जमाने का, एपिडेमिक एक्ट, जो प्लेग जो आया था भारत में और दुनिया के कई हिस्सों में, उसको काउंटर करने के लिए, अभियान चलाने के लिए बना था। और उसमें बहुत सारे लोगों का उस समय न केवल दमन हुआ बल्कि प्लेग को जिस तरह से निपटा जाना चाहिए था उसमें भी काफी कोताही की गई ब्रिटिश हुकूमत द्वारा। तो उस एक्ट के तहत, यानी दोनों एक्ट को, 1897 के और 2005 के एक्ट को, दोनों को इन्वोक किया है केंद्र की सरकार ने, ये ज्यादा से ज्यादा अधिकार प्राप्त करने के लिए, और राज्यों के अधिकारों में एक तरह से दखल भी किया है। तो ये जो मसला है, एक बड़ा गंभीर संवैधानिक मसला है, एक बड़ा विवादास्पद मसला है, लेकिन अभी इस पर कोई सवाल आम तौर पे नहीं खड़ा कर रहा है, क्योंकि पूरे देश में विपक्ष हो, चाहे विपक्ष शासित राज्यों की सरकारें हो, केरल की सरकार हो,
चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की सरकार हो या बंगाल की सरकार हो, सबको ये लगता है कि इस वक्त अगर केंद्र की तरफ से कोई हस्तक्षेप गैर जरूरी भी किया जा रहा है तो चलो उस पर कम बोले, अभी हम सबको मिलजुल कर काम करना है। और चूंकि फंडिंग का बड़ा सोर्स केंद्र है, इसलिए केंद्र को हमें खुश भी रखना है, नाखुश भी नहीं करना है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखिए जो बंटवारा हो रहा है, जो राहत कोष से राज्यों को, उसमें केरल को, छत्तीसगढ़ को, इन राज्यों को काफी कम मिला है। और कई जैसे बंगाल भी ये कह सकता है कि उसको कम मिला है, हालांकि बंगाल के मुकाबले केरल और छत्तीसगढ़ की रकम बहुत कम है। जो पसंदीदा कुछ राज्य हैं उनको काफी अच्छी रकम है, भाजपा शासित राज्यों को बहुत अच्छी रकम गई है। इसके अलावा जो बीजेपी की फ्रेंडली पार्टीज हैं उनको भी काफी अच्छी रकम गई है। लेकिन जहां पर बहुत अच्छी कामयाबी मिल रही है या जहां की सरकारें और कामयाब होने के लिए ज्यादा धन, ज्यादा सहूलियत चाहती हैं, चाहे वो किट्स की हो या और चीजों की, वहां उनको नहीं मिली है। जैसे केरल का उदाहरण मैं दे सकता हूं कि इस देश में सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो केरल की मानी जा रही है कोविड 19 से फाइट करने के लिए, लेकिन वो सरकार लगातार शिकायत कर रही है कि उनको वाजिब ढंग से नहीं मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको ये बताऊं कि जो सेक्शन 6 है, ये डिजास्टर कानून का जो सेक्शन 2 है उसके तहत परिभाषित किया गया है कि आपदा क्या है, डिजास्टर है क्या। और दिलचस्प बात यह है कि उसमें हेल्थ शामिल नहीं है। तो इसके लिए जो नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई है जिसके होम सेक्रेटरी चेयरमैन होते हैं, उस काउंसिल के तहत जो अधिकार लिए गए हैं उनको हेल्थ मिनिस्ट्री को ट्रांसफर किया गया है, पावर डेलीगेट की गई है और उसके तहत सारे नोटिफिकेशन कई किए जा रहे हैं। तो एक तो ये एपिडेमिक एक्ट का जो कानून है उसके तहत भी जो चीजें ली गई हैं उसमें उनका एक्ट 2 है, एक्ट 6 है। ये 11 मार्च को ही केंद्र ने अधिसूचित कर दिया था, नोटिफाई कर दिया था कि हम इन कानूनों को इन्वोक कर रहे हैं, जबकि आपको मालूम होगा कि उसी दौर तक लगातार हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही थी कि अपने देश में कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं लागू होने वाली है। तो ये जो कानूनों का इस्तेमाल केंद्र के जरिए हो रहा है, कई राज्यों को लगता है कि ये एक गैर वाजिब दखलंदाजी है। और मैं समझता हूं कि केंद्र और राज्य के रिश्तों में ही केवल एक तरह से दरार नहीं पैदा करती है, बल्कि जो फेडरल ढंग से, फेडरल जो हमारा स्ट्रक्चर जो बहुत कुंद किया जा चुका है, जिसमें काफी कमजोरी आई है, उस फेडरल जो कैरेक्टर है उस पर भी एक तरह से ये एक तरह से हमला है। और इससे हम इस कोविड 19 जैसी बड़ी महामारी को जिस तरह से हम चुनौती देनी है, पूरे देश को एकजुट करके, राज्यों का भी उतना सपोर्ट लेकर, केंद्र की अगुवाई में जितना करना चाहिए था, मुझे लगता है कि उसमें अगर कमजोरी कहीं दिखाई दे रही है तो उसके पीछे यही कारण है कि केंद्र की लगातार कोशिश है कि पूरे देश में सिर्फ वही काम करता नजर आए, जबकि स्टेट गवर्नमेंट्स की अगर परफॉर्मेंस आप देखिए, चाहे मैंने पहले भी कहा केरल की परफॉर्मेंस देख लीजिए, राजस्थान की देख लीजिए, आप उड़ीसा की देख लीजिए, ये काफी बेहतर है। तो आप स्टेट्स की अगर देखा जाए हेल्थ के इश्यूज को, तो ये राज्यों का इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है। जब तक आप राज्यों की एजेंसियों को पुरजोर समर्थन नहीं देंगे बाहर से, आप पैसे से, उनको जरूरी उपकरण से, आप केंद्र को जो जानकारी मिली कि जो आए हैं किट, जो तमाम ये जांच के जो उपकरण आए हैं उनमें खोट है, उसमें कमी है, तो ये तो राज्यों ने ही बताया। तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो एक विश्वास का पुख्ता रिश्ता होना चाहिए कोविड 19 से लड़ने में, मुझे लगता है कि केंद्र के जो एक तरह से एक तरफा ढंग से काम करने की ये शैली है उसमें कहीं ना कहीं वो कमजोर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो डैमेज हो रहे हैं। हमें अमेरिका का उदाहरण लेना चाहिए, अमेरिका कोई महान डेमोक्रेसी नहीं है कम से कम अगर देखा जाए तो, लेकिन उनके स्टेट्स जो हैं, उनके जो अधिकार हैं वो जितने महत्वपूर्ण हैं। मैं समझता हूं कि न्यूयॉर्क के गवर्नर और डोनाल्ड ट्रंप के जो बीच के संवाद हैं, जो रिश्ते हैं जो बार बार झलक रहे हैं, उससे भी साबित होता है कि स्टेट्स को अगर पहल
कदमी लेने का अधिकार मिलता है तो कितने अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। न्यूयॉर्क की जितनी बुरी हालत है उसमें वहां जो स्टेट काम कर रहा है उसका एक अहम रोल है। मुझे लगता है कि भारत को दूसरे देशों से भी, न केवल अमेरिका, बहुत सारे और अन्य मुल्कों से भी ये सबक लेने की जरूरत है कि केंद्र और राज्य सरकारें ये दोनों सभी मिलकर काम कर सकते हैं, तभी हम एक बेहतर रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे करना चाहता था वो आपसे मैंने की। उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी ये बात कही है कि जो चीजें हम चाहते हैं वो तो हमें मिल नहीं रही हैं और जिस ऊपर से हमें लगातार तमाम तरह की बंदिशों और तमाम तरह की हमें तमाम तरह के दबावों में भी डाला जा रहा है। ये बात अब जैसे केंद्र बार बार चाहता था या केंद्र की जो समर्थित पार्टियां हैं एक तरह से जो शासक पार्टी केंद्र में है वो भी तमाम तरह के प्रचारों में लगी रहती थी, लेकिन आप देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि हमारे यहां संक्रमण के जितने मामले हैं उसमें सर्वाधिक मामले विदेश से आए हुए लोगों के संक्रमण के हैं और या उनके संपर्क में आए लोगों के। उन्होंने दो देशों का नाम तक लिया, वो अमेरिका और उन्होंने कहा कि यूएई, यानी ये यहां से आए हुए लोगों का इसमें ज्यादा रोल है। तो ये हमारा कहना है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलके ही कर सकते हैं और इस वक्त केंद्रीय टीमों के नाम पर राज्यों और केंद्र के बीच में जो एक दरार पैदा हो रही है वो पूरे देश की आबादी के लिए, हमारे हमारी सरकार जो चला रही है अभियान कोविड-19 को निपटने के लिए, उससे देश को उबारने के लिए, मुझे लगता है उस अभियान को मजबूत नहीं करेगा, उसको कमजोर करेगा। वैसे भी केंद्र चाहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और तमाम तरह के अन्य जो संवाद के तौर तरीके इस समय हैं उनके जरिए ये काम कर सकती है। केंद्रीय एजेंसी को भौतिक रूप से तमाम शहरों और जगहों पर भेजना तो खतरे से खाली नहीं है, संक्रमण का खतरा भी है, अफसरों पर भी है और समाजों पर भी है। तो मुझे लगता है कि इससे बचने की जरूरत है, ये स्वयं केंद्र के लिए और राज्य के लिए इस पर जरूर विचार करना चाहिए। मैं आवाम की तरफ से मुझे जो लगता है वो मैंने अपनी बात कही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।